तो हम आ गए हैं हमारे वर्ल्ड में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये है वन ब्लॉक। तो पहले मैं सबसे पहले मेरा ये आर्मर डाल लेता हूँ। ये तो मैंने मेरा डायमंड का आर्मर डाल लिया। तो हमारा मेन टास्क रहेगा, ये देख रहे हो पूरा जंगल, इस पूरे जंगल को हमें काटना पड़ेगा। और हमारे खेत में पहले सीड लगा देते हैं। मेरे पास सिर्फ 6 सीड है, मैं फटाफट ये घास तोड़ता हूँ, क्या पता एक सीड और मिल जाए। मिल गया ना, देखो 7 हो गया। अब इन्हीं को ग्रो करते हैं गाइस, अपना फार्म एक्सपेंड करेंगे। ये गाजर उगा देता हूँ बीच में इनके। अब फटाफट गाइस मैं ये काट देता हूँ पूरा पेड़ जितना भी है ये। गाइस फिलहाल मुझे इतनी सारी वुड मिल गई है गाइस, क्योंकि गाइस मैंने वो सारा वो कर दिया, वहाँ से खोखला कर दिया। तो मैं सबसे पहले सो जाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग मेरे भाई और बहनों, इनमें बिल्कुल भी तमीज़ है ही नहीं, वो देखो भाई। बाय गाइस, लीड मिल गई, लीड, ये देखो लीड मिल गई, इसको घेर के लीड। सैपलिंग आए तो लगा दो। ये है मेरा माइनिंग पॉइंट, फटाफट माइन करते हैं गाइस। स्वागत तू करो मानो। ओए स्केली स्केली स्केली, मैं फट जाऊंगा भाई, मेरे डायमंड थे इसके ऊपर। तो मैं था यहाँ पे, थोड़ी सी सिक्योरिटी कर देता हूँ ताकि एक और क्रीपर आके मुझे तोड़ ना दे। चलो मैं माइन कर सकता हूँ, और मैंने कवर कर तो दिया, लगता है मेरी डायमंड आ गया। देखो गाइस, द किंग इज बैक। सॉरी भैया मुंह से निकल गई। भाई डायमंड का आर्मर नहीं देख रहा ये बंदा। ले भाई तू ले यार, मैं मर गया। बायोम आ गया। अरे घोड़ा, हाँ सच मेरे पास सैडल है। हो गया भाई, ये लगा देता हूँ मैं तेरे ऊपर। और अब मैं यहाँ पे तूफान ही कर सकता हूँ। अरे मैं तो बच जाऊंगा, मेरी सैडल। अरे सैडल दे भाई, मेरी सैडल। सैडल भी गई, घोड़ा भी गया, लेकिन मैं बच गया। वन लाइक इज इक्वल टू वन घोड़े को शांति। मुझे इन्हें देख के बहुत तरस आता है कि इतनी भीड़ में रहते हैं, पर मेरे को क्या, रहने दो। ये पेड़ सूखे नहीं, पहले और उग गए यार। तो गाइस मैं फटाफट मेरा सामान चेस्ट में सेट करता हूँ, और आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे पास कितना सामान है। तो गाइस ध्यान से देखिए, इस चेस्ट में है मेरा बिल्डिंग का सामान, और इस चेस्ट में है मेरा जरूरी सामान, और इससे ज़्यादा मैं कोई भी चेस्ट नहीं कर पाया। इसके अंदर सबके अंदर देखिए गाइस, गंद भरा पड़ा सबके अंदर ऐसी। तो मेरे को एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था आपके पास इतना आयरन तो है, तो आप वो क्यों बना लेते, क्या कहते हैं एनविल। तो इतना आयरन है तो एनविल बनाओ, बस मन गया। लेकिन इसका फायदा क्या है, मेरे पास एन्चेंटेड बुक तो है ही नहीं, वो एनविल रख दो यहाँ पे। तो हम एमर ग्रोवर न्यूज आपके लिए लाए हैं ताजा खबरें। जैसे कि आप देख सकते हो, फसलों में हुई बड़ी गिरावट, जानवरों में मची भगदड़, सारे एक दूसरे को मार रहे हैं, पेड़ की अधिक कटाई, और एक ट्रेडर जो अपने लामा के साथ बहुत ही बुरा करता है, उसे हवा में लटका के रखता है, इसे भी घेर दो। This is called business. तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वन सब्सक्राइब एंड लाइक इज इक्वल टू वन सैपलिंग, और मेरे खेत को हरा भरा कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय।